नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 34वां प्रैक्टिस एड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इस प्रैक्टिस एड सीरीज में उत्तराखंड के पी वाई क्यू सोल्व करते हैं, तो आज ही हमारा 34वां प्रैक्टिस एड है। इससे पहले के 33 प्रैक्टिस एड आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। जो दोस्तों, आज 27 अप्रैल को लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में हमारी सीरीज से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने दोस्तों ये एग्जाम दिया होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको एग्जाम में हेल्प या नहीं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 10 सितंबर 1945 को हुआ था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उपनाम गिरदा है, तो दोस्तों गिरीश तिवारी का उपनाम गिरदा है। अगला प्रश्न है कि किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं, तो फ्रेंड्स देहरादून और हरिद्वार इस समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं। देहरादून से 10 और हरिद्वार से 11 विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, ऊधमसिंह नगर से 9 और पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों 6 विधायक चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है, तो यह दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरोथी सीट पर्यटन स्थल स्थित है, तो यह है फ्रेंड्स नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। छठा प्रश्न है दोस्तों, महामृत्युंजय मंदिर स्थित है, तो महामृत्युंजय मंदिर यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में दोस्तों जागेश्वर धाम मंदिर समूह स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। ठीक है, और इन 124 में सबसे बड़ा जो मंदिर है तो वह दोस्तों आपका महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई है, तो राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई ये दोस्तों 358 किलोमीटर लंबाई है और 320 इसकी चौड़ाई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ, जो कि चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ दोस्तों 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यह दोस्तों केदार जो पंच केदार है, पंच केदार में तीसरा केदार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है, तो झांवर यह दोस्तों पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है, कफली गिंजड़ी सिरोल गजरो नाम से संबंधित हैं, तो ये चारों जो हैं दोस्तों आपके स्थानीय व्यंजन हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कफली गिंजड़ी सिरोल और गजरो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके क्या हैं, खाद्य व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, एक सूची में दोस्तों नृत्य दिए हैं और दूसरी में उनसे संबंधित मतलब कि किस प्रकार के यह नृत्य होते हैं, तो झिमेलो यह दोस्तों प्राकृति और प्रेम गीत है। ठीक है, छोलिया ये दोस्तों एक विजय गीत है। बाजूबंद ये प्रेम और श्रृंगार गीत है। पांडव यह दोस्तों सिद्ध पुरुष नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न आदम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स बोक्षा ये दोस्तों पौड़ी में नहीं पाए जाते हैं, ये दोस्तों आपके जो ऊधमसिंह नगर वाला बुक्साण क्षेत्र है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति याद रखिएगा। कोल जबलपुर मुंडा छोटा नागपुर और कोरबा उत्तर प्रदेश की यह दोस्तों जनजातियां समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे, तो यह दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1947 में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश के पहले सैनिक हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इनका संबंध दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट से था। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैलचित्र वाली गुफा लाखू गुफा स्थित है, तो लाखू गुफा ये दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है।
इसकी खोज 1968 में की गई। ये दोस्तों स्याले नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो की तो वह एम पी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कत्यूरियो की दरबारी भाषा थी। कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, इसकी जो दरबारी भाषा थी तो वह दोस्तों आपकी संस्कृत थी। अगला प्रश्न है हमारा, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड मत्स्य निरीक्षक 4 सितंबर 2016 को हुए एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों हमारे इस सीरीज के प्रीवियस ईयर के ही हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हुबहू दोस्तों आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट में कराता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे आने वाले दिनों में आबकारी और परिवहन आरक्षी LT, ठीक है, और दोस्तों SI, जितने भी दोस्तों एग्जाम होने हैं आने वाले दिनों में, चाहे वह UKPSC कराए या फिर दोस्तों UK SSSC, उन सभी के लिए दोस्तों ये हमारी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज अपने रिविजन के लिए हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। प्रजा मंडल जिसकी स्थापना दोस्तों 23 जनवरी 1939 को की गई। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था तो ये था दोस्तों, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति या मुक्त कराना। ठीक है, तो टिहरी की जनता को दोस्तों कुशासन से मुक्त कराना प्रजा मंडल का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना दोस्तों चक्कूवाला देहरादून में की गई थी। ठीक है, और किसके प्रयासों से की गई, श्री देव सुमन के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद जो है दोस्तों ये हमारा भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय नगर नहीं है। तो चार जो ऑप्शन है हमारे इसमें, इनमें से बताना है कि कौन सा पर्वतीय नगर नहीं है। तो फ्रेंड्स, रुद्रपुर ये दोस्तों तराई क्षेत्र का एक नगर है, उधमसिंह नगर का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये पर्वतीय नगर नहीं है। टनकपुर, कोटद्वार और हरिद्वार, ये तीनों दोस्तों पर्वतीय नगर हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा ये दोस्तों पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, 1962 से पहले दोस्तों ये जो यात्रा निकलती थी तो नाथुला दर्रा सिक्किम से निकलती थी। ठीक है, और 1962 का जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था उस समय से दोस्तों बंद कर दी गई, और बाद में दोस्तों जब पुनः स्टार्ट किया गया इस यात्रा को तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। तो फ्रेंड्स, रेल यातायात का अंतिम बिंदु लक्सर नहीं है। लक्सर दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और जो काठगोदाम है, ठीक है, तो ये दोस्तों नैनीताल से जब हम जाएंगे नैनीताल को तो ये अंतिम स्टेशन पड़ता है। ठीक है, देहरादून भी अंतिम स्टेशन है, और कोटद्वार दोस्तों गढ़वाल का अंतिम स्टेशन है। एक और आता है दोस्तों रामनगर, तो वह भी अंतिम स्टेशन है। अगला प्रश्न है, नंदोर दून किस जनपद में स्थित है। नंदोर दून ये दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन वी। 23वां प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। तो MCT ये जो दोस्तों रेखा है ये आपका महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है दोस्तों वाड़ाहाट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, सौम्यकाशी भी किसे कहते हैं, आपका उत्तरकाशी को ही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ। तो उत्तराखंड में दोस्तों औपनिवेशिक संघर्ष जो शुरू हुआ तो वह गोरखा काल में शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि गोरखा काल में ही दोस्तों चीन और वो गोरखा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, और जो अंग्रेज थे उन्हीं के काल को औपनिवेशिक काल बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है। तो कुब्जा मृग के नाम से दोस्तों ऋषिकेश को जाना जाता है। ऋषिकेश को ही संत नगरी
योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो छोलिया नृत्य में दोस्तों गीत नहीं गाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छोलिया नृत्य जो है दोस्तों इसमें गीत नहीं गाया जाता। अगला प्रश्न है, द्वारहाट में नवी शताब्दी के ध्वज मंदिर का एक अन्य नाम है, तो ध्वज मंदिर इसे ही दोस्तों गुजर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो द्वारहाट है दोस्तों इसे मीठी मूलियों का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे ही कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, तो भूमसेन देवता इसकी पूजा दोस्तों बोक्सा जनजाति करती है। दोस्तों हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया था और हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भूमसेन की जो पूजा करते हैं तो वह थारू जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बोक्सा जो करते हैं तो वह आपका भूमसेन देवता की पूजा करते हैं, और एक आते हैं भूमिया देवता। ठीक है, और भूमिया देवता की जो पूजा करते हैं तो वह थारू करते हैं, और एक है दोस्तों भूमियाल देवता, तो भूमियाल देवता की जो पूजा करते हैं तो वह दोस्तों भोटिया लोग करते हैं। तो ये तीन देवता हैं, भूमसेन, बोक्सा, भूमिया, थारू, और दोस्तों भूमियाल तो वह हो जाएगा भोटिया। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो उत्तराखंड का पीतल नगरी जो बोला जाता है या फिर पीतल नगर जो बोला जाता है तो वह आपका अल्मोड़ा को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ तो वह 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। इस समय उत्तराखंड के सीएम थे दोस्तों हरीश रावत। ठीक है, और राज्यपाल थे दोस्तों के पोल। ठीक है, और ये दोस्तों 46 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था, मतलब 12 मई तक दोस्तों ये लगा रहा, 27 मार्च से 12 मई। अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और हमारी सीरीज से दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा, और जल्दी दोस्तों हम उत्तराखंड में, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं और उन एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाती है तो उन सभी का एक प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जितने भी ओल जीके के क्वेश्चन हैं तो वह भी दोस्तों आपकी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये दो सीरीज हमारी नई स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।